खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से, जहां चैत नवरात्रे के पहले दिन आज शहर भर के देवी मंदिरों में कोरोना वायरस के नियमों का पालन करते हुए देवी शैलपुत्री की पूजा की। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ी रही। वहीं जिला प्रशासन ने इस अवसर पर खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए। आपको बता दें, नवरात्रे के पहले दिन यानी आज चैत नवरात्रि शुरू हो गए और शैलपुत्री की पूजा सुबह से ही शहर के प्रसिद्ध मंदिर काली देवी मंदिर, साहूकारा स्थित नवरात्रि मार्ग मंदिर, नेकपुर स्थित ललिता देवी मंदिर समेत अन्य सभी प्रमुख देवी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। वहीं कुछ मंदिरों में प्रबंध समिति द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, दूर से ही पूजा करने के निर्देश दिए गए। वहीं सुबह मंदिरों में विशेष पूजा की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने देवी पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कई स्थानों पर हवन भी आयोजित किए गए। मंदिरों के बाहर पूजन सामग्री की आस्था की दुकान लगाई गई तथा प्रबंध समितियों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए। वहीं कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं को बिना मास्क के आने की अनुमति नहीं थी। जिन स्थानों पर श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं थे, वहां पर प्रबंध समिति द्वारा मास्क की व्यवस्था की गई। दोपहर में श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी होने के बाद शाम को एक बार फिर से भीड़ में वृद्धि हुई। सविता सहगल, कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर लगभग 40 सालों से आ रहे हैं और जो है नवरात्रों में हम लोगों का हमेशा आना जाना लगता है, लेकिन इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दर्शन करना भी है तो थोड़ी अपनी सहूलियत सभ्यता से आकर करिए, दूरी बनाए रखिए अपना। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप मुझे छुएं मत उसे, और आप लोग ये कर सकते हैं कि भाई दूर से दर्शन कीजिए भगवान के। भगवती सबकी सुनती है, दूर से भी और पास से भी। हम ये कहते हैं सब लोग स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और समाज में भी स्वच्छता शुद्धता बनाए रखिए। लेकिन ये कि नवरात्र है उसमें माँ भगवती ने कहा है कि मेरा आशीर्वाद सबके लिए है और रहेगा हमेशा। मेरा कहना ये है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि मंदिर आइए, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ पाते तो भगवती आपको घर पे भी दर्शन देगी। सबको जय माता दी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।